Maşallah ve in beynat. Maşallah ve in huzur. सीरिया में ईरानी दूतावास पर इजरायली एयर स्ट्राइक के बाद से मिडिल ईस्ट में तनाव चरम पर पहुंच गया है। हमले के बाद से ईरानी नेता भड़के हुए हैं। उन्होंने इजरायल को सबक सिखाने और ईंट का जवाब पत्थर से देने की धमकी तक दे डाली है। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई ने तो कसम भी खाई है कि बदले में इजरायल को चेहरे पर तमाचा मिलेगा। मालूम हो कि पिछले हफ्ते दमिश्क में ईरानी वाणिज्य दूतावास पर इजरायली हवाई हमले से इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स कुछ फोर्स के दो जनरल और कई अन्य अधिकारी मारे गए थे। ईरान ने इजरायल को ये धमकी भी दी थी कि उसके दूतावास भी सुरक्षित नहीं है, जिसकी वजह से इजरायल ने अपने 28 दूतावासों को अस्थायी तौर पर बंद करने का फैसला भी लिया। साथ ही महत्वपूर्ण इमारतों की सुरक्षा भी बढ़ा दी। खास बात यह भी है कि इसराइल ने अब तक इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। बावजूद इसके इसराइल के हालिया फैसले इस बात की तस्दीक करने के लिए काफी हैं कि इसराइल का ही ईरानी दूतावास पर हमले के पीछे हाथ था। इस बीच लंदन की एक अरबी आउटलेट अलाफ न्यूज ने पश्चिमी सुरक्षा अधिकारी के हवाले से दावा किया है कि अगर ईरान दमिश्क दूतावास पर हमले का जवाब इसराइल पर बमबारी करके देता है तो ऐसा अंदेशा है कि इसराइल ने भी अपनी पूरी तैयारी कर ली है। इसराइल की सेना अलर्ट मोड में है। दावा किया जा रहा है कि इसराइल ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर ही धावा बोल सकता है। बकायदा इसके लिए इजरायली वायुसेना संवेदनशील इलाकों पर हमला करने की ट्रेनिंग भी ले रही है। माना जा रहा है ये ट्रेनिंग तेहरान में परमाणु कार्यक्रम में हमले को लेकर भी हो सकती है। रिपोर्ट की माने तो संभावित ईरानी प्रतिशोध की तैयारी में इसराइल ने पहले ही अपनी सेना की छुट्टियाँ रद्द कर दी है। अरबी आउटलेट की रिपोर्ट में संभावित इजरायली लक्ष्यों की एक लिस्ट का भी जिक्र है, जिसमें अरक हेवी वाटर रिएक्टर और बुशहर परमाणु ऊर्जा स्टेशन से लेकर गाचिन यूरेनियम खदान और नटानज यूरेनियम सर्विस तक शामिल है। दावा है कि इनमें से किसी पर भी इजरायली हमला मिडिल ईस्ट के संघर्ष में अभूतपूर्व बढ़ोतरी का प्रतीक हो सकता है। इस बीच कई अमेरिकी मीडिया आउटलेट्स ने अमेरिकी खुफिया सूत्रों का हवाला देते हुए बताया है कि ईरान का इरादा रमजान के इस्लामी पवित्र महीने के खत्म होने के बाद इसराइल पर हमला करने का है। इसके लिए ईरान अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों और केमिकोज ड्रोन को इस्तेमाल कर सकता है। CNN ने अमेरिकी जासूसों का हवाला देते हुए संभावना जताई है कि ईरान इसराइल पर सीधा हमला करने के बजाय मिडिल ईस्ट में प्रॉक्सी वॉर के जरिए इसराइल को झटके पर झटका देता रहेगा। माना जा रहा है कि ईरान पर्दे के पीछे रहकर भी इसराइल को काफी नुकसान पहुंचा सकता है। दावा किया जाता है कि हमास से लेकर हिजबुल्ला और हुती लड़ाकों को ईरान की शह मिली हुई है। यही वजह है कि ये लड़ाके खुले तौर पर इसराइल जैसे ताकतवर देश को चुनौती दे पा रहे हैं। इसके अलावा अरबी आउटलेट की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अमेरिका इसराइल का समर्थन करता रहेगा, उसे इस मिशन के लिए आवश्यक सभी सहायता हथियार और उपकरण प्रदान करता रहेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजरायली पीएम नेतन्याहू को आश्वासन दिया है कि वॉशिंगटन सभी परिस्थितियों में इजरायल के साथ खड़ा रहेगा। वहीं हाल में लेबनान के संगठन हिजबुल्ला के सरगना हसन नसरल्ला ने भी इस ओर इशारा किया कि आश्वस्त रहे कि दमिश्क में वाणिज्य दूतावास को निशाना बनाने पर ईरानी प्रतिक्रिया निश्चित रूप से इसराइल के खिलाफ आ रही है। ऐसे में ये देखना काफी अहम रहेगा कि प्रतिरोध की आग में झुलस रहा ईरान कब, कहां और कैसे अपने कट्टर दुश्मन इसराइल को बहुत बड़ा झटका देता है।